हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी रेगुलरली अमेंडेड टॉपिक। वो है कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, कंपनी आपको पता है इनकॉर्पोरेट बॉडी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो रजिस्ट्रेशन होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। दो ROC उसको काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है और हर कोशिश जैसे नाकाम होती है। जितना सिंप्लीफाई करो कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऑब्जेक्टिव है कि जितना सिंप्लीफाइड हो उतना अच्छा है, और काफ़ी अच्छी तरह से सिंप्लीफाई किया गया है और धीरे धीरे और हो रहा है। धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज़ को, बट अब धीरे धीरे आपका जो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने कर दिया है। काफ़ी चीज़ें मर्ज कर दी हैं, सिंप्लीफाई किया है, शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में है और कुछ समय में बहुत अच्छा और इम्प्रूव प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या प्रोसेस है हमको पढ़ना है। सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं हम, सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन और उसके जो रूल्स हैं, इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग दो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, एक्ट एंड रूल्स, सेक्शन 7 एंड इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले, अब देखो काफ़ी लंबा है ये जो पूरा, जो इतने सारे प्रोविजंस हैं, इतने सारे बारीक 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 पॉइंट्स सब मैंने कवर किए हैं, बट सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें आपको लाइटली रहनी है, कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ सकता है एक दो पैराग्राफ्स को। तो मैं आपको बताते जाऊँगा कि क्या क्या रिलैक्स्ड वे में लेना है, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें गड़बड़ नहीं करनी है, कि इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें प्रोसीजरल है, आधे से ज़्यादा चीज़ें प्रोसीजरल हैं। तो प्रोसीजरल चीज़ों पर इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, और जो कंसेप्ट है और जो प्रोसेस है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको माइंड में एक मैप बन जाए कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है। फिर एक एक पॉइंट के अंदर सब प्रोसेस या प्रोविजंस क्या है, ये आपको ख्याल में रखना है। और मैं आपको एक डायग्राम बना के दे दूंगा जिसमें मैं फ्लो और दो चार जो मेजर प्रोविजंस हैं वो आपको उसमें कवर कर दूंगा, जो आपको रिविजन के लिए काम आएगी। कि पढ़ने के बाद समझेगा कि लगेगा कि यार कितनी सारी चीज़ें हैं, कुछ याद ही नहीं रह रहा, तो मेन चीज़ें भी याद नहीं रहती। तो इसलिए आपको मैं एक डायग्राम बना के दे दूंगा ताकि वो थोड़ा सिंप्लीफाइड लगे और आप एक बार पढ़ने के बाद उसको फिर चार्ट से उसको इन डेप्थ समझने के हिसाब से पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 एंड सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चलिए सबसे पहला है प्रोसेस का, मैं एक आपको मैप बता देता हूँ। सबसे पहला होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। रिजर्वेशन ऑफ नेम, आपको पता है कि कंपनी का नाम यूनिक होता है और वो रिपीट नहीं हो सकता। कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या कोई भी रजिस्टर्ड ब्रांड नेम से सिमिलर नाम आप नहीं रख सकते हो। एग्जैक्ट सेम तो रख ही नहीं सकते, सिमिलर भी नहीं रख सकते, जो रिजेंबल करे उसको, ऐसे भी नाम अलाउड नहीं है, सीधे सीधे प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो वो होता है कि पहले आपको देखना होता है कि आपका जो डिजायर्ड नाम है वो अवेलेबल है क्या, तो वो होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब सबको पता है इसमें कि क्या आया है, इसमें एक रन फैसिलिटी आई है, बरोबर, रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व यूनिक नेम, एक फास्ट ट्रैक फैसिलिटी है जिसमें आप सिर्फ अपना नाम रिजर्व कर सकते हो, और इसमें एक ही नाम परमिसिबल है, सिर्फ एक ही नाम आप डाल सकते हो। इसमें अब उन्होंने बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए हैं कि आप पहले चेक कर लो कि आपका नाम मिलता जुलता तो नहीं है। इन डिटेल CRC, दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, तो चेक करेगा ही, बट आपको भी ट्रेडमार्क्स क्या क्या नाम रजिस्टर्ड हैं थोड़ा एक आइडिया, और प्राइमरी चेक उसको बोल सकते हैं, प्राइमरी चेक की फैसिलिटी दी है, और उसमें आप चेक भी कर सकते हो कि आपका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड नाम से सिमिलर है कि नहीं है। तो एक ही नाम अलाउड है रन फैसिलिटी में, ₹1,000 लगते हैं इसके वन टाइम के, रिजेक्ट हुआ फिर से अप्लाई करो, फिर ₹1,000 भरो। ठीक है, तो ऐसा उसका सिस्टम है। अभी तक ये सिस्टम ऑप्शनल है, यानी आपका जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अभी तक ये ऑप्शनल है और मैंडेटरी नहीं है। कि रन फैसिलिटी आ तो गई है लेकिन अभी ये ऑप्शनल है। आप डायरेक्ट जो आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो मेन हम एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, उसमें भी आप डायरेक्ट नाम लिख के अप्रूवल ले सकते हो। रन से पहले वो चेक करके अवेलेबल है कि नहीं, ये चेक करना अभी ऑप्शनल है, बट रिकमेंडेड है कि आप पहले चेक कर लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो ऐसा ना हो कि स्पाइस का फॉर्म भर दिया, बाकी सब चीज़ें सही है पर नाम अवेलेबल नहीं है, तो फिर स्पाइस फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
तो ये इनकन्वीनियंस ना हो, इसीलिए आप पहले नाम अवेलेबल है कि नहीं वो देख लो, और जो अवेलेबल नाम है वो आपके लिए ब्लॉक किया जाता है कुछ समय के लिए, और फिर वो विद इन दैट पीरियड आप प्रॉपरली अप्लाई करो और वो नाम के थ्रू आपकी कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर लो, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है वो है रिजर्वेशन ऑफ नेम, ये रन फैसिलिटी के थ्रू होता है, रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। जो बारीक बारीक पॉइंट है ये मैं आपको ऐसे यहाँ सब लिखवा के दे दूंगा, जैसे जैसे अपन रीड करेंगे वैसे से दो चार पॉइंट मैं आपको लिखवा के दूंगा ताकि आपको रिविजन के लिए काम आए, ठीक है। जो कि मेन चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं सारी चीज़ें नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें ही आपको इंपॉर्टेंट है जो ख्याल में रखनी है और बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो नाम अवेलेबल है या तो नाम अवेलेबल नहीं है। नाम अवेलेबल है तो ही आगे का प्रोसेस चालू होगा, अगर नाम ही अवेलेबल नहीं है तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, तब तक रीअप्लाई करते जाना है जब तक नाम अवेलेबल ना हो या आपकी इच्छा खत्म हो जाए कि आपको कंपनी बनानी नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर हर नाम अवेलेबल नहीं आ रहा है और आपका हो सकता है धीरे धीरे आप बोलो कि यार नाम अवेलेबल नहीं और आपका मूड खत्म हो जाए, कंपनी बनाई नहीं, कुछ और स्ट्रक्चर देखें, तो जो भी है आपको अप्लाई करते रहना जब तक वो नाम अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो अगर नाम अवेलेबल है तो आएगा सेकेंड स्टेप कि हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, बरोबर। जो मेन एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए जो भी है अटैचमेंट एनेक्स्टर्स जो भी चीज़ें लगती हैं पहले वो तैयार करो, और फिर पूरा जब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएं, सारी चीज़ें सारी डिटेल्स सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, फिर आप मेन एप्लीकेशन फाइल करो। तो उसकी पूरी बैकग्राउंड आपको तैयारी करनी है। तो इसमें जो प्रिपरेशन है उसमें पहला रहता है कि आपको एक प्रोफेशनल से आपको एक डिक्लेरेशन लेना है, प्रोफेशनल से एक डिक्लेरेशन लेना है INC 8, ठीक है। एक फॉर्म नंबर है INC 8 में आपको प्रॉपर डिक्लेरेशन लेना है प्रोफेशनल से, पढ़ते पढ़ते मैं बताऊंगा कि उसमें क्या डिक्लेयर करवाना है, ठीक है। फिर सेकेंड है कि आपको सारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेमोरेंडम सब्सक्राइब करेंगे, जब आप कंपनी के लिए अप्लाई करो आप MOA AOA भी बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, EMOA and EAOA, सब मैं फॉर्म नंबर्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको सारे सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स चाहिए और उसकी उसका भी एक डिक्लेरेशन आपको लगेगा। अब इसका नाम डिक्लेरेशन के पहले एफिडेविट था, अब वो हाल ही में जुलाई में ही मेरे ख्याल से आ गया है और अब वर्ड वो चेंज हो गया है, तो आप दिसंबर वाले जो हैं वो आप नाम लिख सकते हो एफिडेविट, और जो आगे अटेम्प्ट वाले आएंगे उनको लिखना है डिक्लेरेशन, ठीक है। टेक्निकल फ़र्क है, एफिडेविट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पैसा लगता है, डिक्लेरेशन थोड़ा मतलब सस्ता टिकाऊ मोड है और काम चलाऊ है, ठीक है। तो पहले वर्ड क्या था एफिडेविट, तो आपको सारे सब्सक्राइबर्स से एफिडेविट करवाना है INC 8 में, और उनसे क्या क्या डिक्लेरेशंस लेनी है ये हम पढ़ेंगे। तीन डिक्लेरेशंस लेनी होती है, डिटेल्स और तीन डिक्लेरेशंस, मतलब डिक्लेरेशन ए है एक है, डिक्लेरेशन के पॉइंट्स तीन हैं कि तीन चीज़ें आपको तीन टॉपिक्स डिक्लेयर करनी है, मतलब आपको वादा करना है या आपको कसम खा के देनी है कि ये चीज़ें हैं आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, और कल अगर कुछ गलत मिला तो आपके खिलाफ पर्सनल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो पहला है प्रोफेशनल्स का डिक्लेरेशन लो, कौन कौन से प्रोफेशनल्स अलाउड हैं डिक्लेरेशन देने के लिए ये भी हम पढ़ेंगे, और फिर सारे सब्सक्राइबर्स की डिटेल लो और उनका डिक्लेरेशन लो। फिर है जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे, आपने पढ़ा है कि मिनिमम डायरेक्टर्स कुछ एक कंसेप्ट होता है कि प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड 1 पर्सन कंपनी मिनिमम 1 डायरेक्टर, तो मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं, और जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं जो कि नॉर्मली मिनिमम डायरेक्टर्स ही होते हैं, तो वो उनको भी उनकी भी डिटेल्स देनी होती है, उनको भी डिक्लेरेशन देनी होती है, और उनको एक और चीज़ देनी है कंसेंट, रिटन कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स में क्या क्या है, पहले तो उनकी डिटेल्स, फिर डिटेल्स में DIN नंबर आता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, नहीं भी है तो आप इनके थ्रू ही अप्लाई भी कर सकते हो, जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके थ्रू आप DIN नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत जो मेन एप्लीकेशन है वो बहुत इंटीग्रेटेड है, जो बहुत पहले अलग 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 बिखरे हुए कॉम्प्लायंसेस थे, अलग अलग जगह अलग अलग अथॉरिटीज़ के पास अप्लाई करना पड़ता था,
तो उसे टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, इसलिए वो प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। अब उन्होंने सब मर्ज कर दिया है कि आप एक ही अथॉरिटी के पास एक ही साथ एक ही फॉर्म में अप्लाई करो, बाकी सब एमसीए कर लेगा, वो हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके आपके लिए काम कर लेगा। पर आपको एक ही सिंगल विंडो दी है, आप डायरेक्ट एमसीए में एक फॉर्म भरो, उसमें सारी बातें सारी चीज़ें आएंगी, हम सब पढ़ेंगे, पैन टैन डिजिटल सिग्नेचर डिन नंबर हर चीज़ है उसमें, पूरा फुल्ली इंटीग्रेटेड सिंगल फॉर्म सिंगल विंडो ये प्रोसेस अब बन चुका है। ठीक है, तो बहुत सारी डिटेल्स हैं उसके अंदर भी, डिन नंबर होगा, फिर आपको देना है डिक्लेरेशन, और फिर आपको देना है दैट इज कंसेंट, रिटर्न कंसेंट, वो भी आपको फाइल करना है, उसका भी अपन पढ़ेंगे। DIR 12, DIR 12 फॉर्म नंबर में आपको डिटेल देना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो सब्सक्राइबर डिटेल, फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है, फिर आएगा आपका MOA and AOA, MOA and AOA आप बनाओ, ड्राफ्ट करो, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो, बरोबर, ये सब आएगा। देखो मैं ओवरव्यू देते जाता हूँ, जो मैं बताते जा रहा हूँ कि देखो पहला क्या है, रन फैसिलिटी से नाम अप्रूव करवाओ, फिर देखो दिया है प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में क्या क्या है, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स, फिर है एफिडेविट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, फिर है उनकी पूरी डिटेल्स पर्टिकुलर्स, ये सब पूरा भी बोला मैंने, बहुत डिटेल में दिया है मैंने, बट काम का नहीं है, फिर है फर्स्ट डायरेक्टर्स और उनके कंसेंट फाइल करना है, बरोबर, और फिर सीधे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ ही मैंने मैंने अलग से यहाँ दिया है MOA and AOA, साइनिंग ऑफ MOA and AOA। ठीक है, तो मैं इसी में मर्ज कर रहा हूँ MOA and AOA। ठीक है, ये सब हो जाए, बन जाए, प्रिपेयर हो जाए, ड्राफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर आता है मेन एप्लीकेशन, थर्ड पॉइंट आएगा। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन दैट इज E-SPICE 32। ठीक है, फॉर्म 32 उसका है, और उसमें फुल्ली इंटीग्रेटेड हर चीज़ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, और फिर हम उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर आएगा इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको इशू होगा, और उसका क्या इम्प्लीकेशन है। ठीक है, तो ऐसे पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है बताओ मेरे को फटाफट कि प्रोसेस क्या है। पहला आपको नाम अवेलेबल है कि नहीं चेक करना है, और नाम डिसाइड करते वक्त काफ़ी सारी बातें ध्यान रखनी है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, सबसे पहले प्रोफेशनल्स का डिक्लेरेशन लेना है, फिर सब्सक्राइबर की डिटेल डिक्लेरेशन वो सॉरी एफिडेविट लेना है, और उसमें तीन बातें डिक्लेयर करनी है। ठीक है, फिर फर्स्ट डायरेक्टर्स की भी डिटेल लगेंगी, उनका रिटर्न कंसेंट लगेगा, फिर MOA ड्राफ्ट करो, एग्जीक्यूट करो, प्रॉपर सब करो, और फिर एक्चुअल एप्लीकेशन करो, बराबर, E-Form Spice 32 में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और फिर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और एक सिन नंबर मिलेगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट होगा जिसका नाम है सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, और वो आपका यूनिक नंबर होगा जो आपको अब सारे कम्युनिकेशंस में हर जगह आपको कोट करना है। ठीक है, और अब सर्टिफिकेट में पैन नंबर और ये सब भी मतलब आएगा, फॉर्मेट चेंज किया उन्होंने, INC 11 फॉर्म आया है सर्टिफिकेट का, और उसमें पैन नंबर भी आपको अब देना पड़ेगा, जो आपको आपने इनकम टैक्स में पैन नंबर लिया है, या इस फॉर्म के थ्रू आप ले सकते हो, और टैन नंबर भी आप ले सकते हो, दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उसमें बताना है सिन नंबर के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं जो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो जो रेलेवेंट होगा, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा के देते जाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल, ठीक है, रन फैसिलिटी के थ्रू, एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम शैल बी मेड थ्रू द वेब सर्विस अवेलेबल एट www.mca.go.in। ठीक है, MCA की जो ई पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वेब सर्विस है, उस पर आपको अप्लाई करना है बाय यूजिंग रन फॉर्म रिजर्व यूनिक नेम अलॉन्ग विद द फी ऑफ 1000। ठीक है, 1000 फीस वन टाइम लगेगा, विच में इधर भी अप्रूव्ड रिजेक्टेड, ठीक है, या तो अप्रूव होगा या तो रिजेक्ट होगा, वन टाइम प्रोसेसिंग है, एज द केस मे बी बाय द रजिस्ट्रार, दैट इज CRC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, ये एक यूनिक डिपार्टमेंट है, यूनिक ऑफिस खुला है जो सिर्फ नाम रजिस्ट्रेशन का काम हैंडल करता है, यानी एक स्पेशलाइजेशन किया है उन्होंने, और एक क्विक डिपार्टमेंट बनाया है जिनका सिर्फ एक ही काम है, और जो इलेक्ट्रॉनिकली ये सारी चीज़ें फटाफट करेंगे।
After allowing resubmission of such application within 15 days for the rectification of the defects, if any. बराबर, application में कुछ भी defect दिखा तो आपको इसमें आएगा कि एक ही बार resubmit करने का मौका मिलेगा, one time resubmission का से मिलेगा defect को remove करने के लिए, और एक बार में आप defect remove नहीं कर पाए तो आपको फिर से apply करना पड़ेगा. मतलब इससे ₹1000 की बात है, कि ऐसा नहीं कि आप फिर से कभी अप्लाई नहीं कर सकते हो. आप कितने बार अप्लाई कर सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप मल्टीपल टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हो, जब तक सारे जो प्रोसीजरल कॉम्प्लाइंस जब तक होना, जब तक आपका नाम प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तब तक आपको रीअप्लाई करते रहना है. तो ₹1000 जो आप भर रहे हो उसमें एक रीसबमिशन अलाउड है फॉर रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स. ठीक है, तो वन रीसबमिशन अलाउड है. ठीक है, या तो वो अप्रूव होगा या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा सीधे. ठीक है, और फिर आपको फिर से अप्लाई करना पड़ सकता है ₹1000 बढ़ के. फिर है, अब ये जो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया कि जब आप सिर्फ नाम सर्च कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी. तो इसमें लिखा है डीएससी, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आपके पास होने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ही होता है. जो आपका एमसीए का पोर्टल है उसके थ्रू ही आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, आपको डीएससी या कोई डिक्लेरेशन कोई साइन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो डीएससी एंड डिन नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग ऑफ रन फॉर्म फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, ओनली द अकाउंट ऑफ एमसीए पोर्टल इज मैंडेटरी. ठीक है, एमसीए पोर्टल में बस एक आपको अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं अपना, और आप उसके थ्रू बिना कोई डॉक्यूमेंट के, बिना कोई कॉम्प्लायंस के आप नाम रिजर्व करवा सकते हो. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, बोलो क्या क्या है भी. रिजर्वेशन ऑफ नेम पहला है, फीस कितना है 1000, फिर वन रीसबमिशन अलाउड, फिर इधर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, ठीक है, कौन करेगा, सीआरसी. ठीक है, सीआरसी को पावर है, और कितना टाइम दिया गया है, विद इन 15 डेज. 15 डेज के अंदर आपको अप्रूव या रिजेक्ट करना है. ठीक है, सीआरसी को. फिर है डीएससी डिन नॉट रिक्वायर्ड, अकाउंट इन एमसीए पोर्टल रिक्वायर्ड. ठीक है, कुछ आपका आइडेंटिटी नहीं चाहिए, सिर्फ एमसीए पोर्टल पे आपका अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब जब आप नाम सोचोगे अपनी कंपनी के लिए, अपनी अपने सपने वाला जो आपका जो ड्रीम है, ड्रीम कंपनी के लिए जब आप नाम सोचोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी है. कुछ वर्ड्स आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते. एक तो आप एग्जिस्टिंग नाम यूज़ ही नहीं कर सकते, सिमिलर नाम भी यूज़ नहीं कर सकते, फिर उसके अंदर कुछ वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकते. कुछ वर्ड्स भी प्रोहिबिटेड हैं कि आप उसमें नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है, तो दिया है द नेम शेल नॉट बी आइडेंटिकल विथ और रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. तो या तो एग्जैक्ट सेम भी नहीं हो सकता आइडेंटिकल, या टू नियरली रिजेंबल भी नहीं कर सकता, मिलता जुलता भी नहीं हो सकता प्रोनंसिएशन में, स्पेलिंग में, या कोई भी तरीके से आप सिमिलैरिटी अगर एस्टैब्लिश कर रहे हो और ऐसा एमसीए को लगता है, सीआरसी को लगता है, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं. ये सब एमसीए देखेगा, हमारी सोच से कुछ नहीं. हमको तो लगेगा ना कि नहीं अलग है, बट वो एमसीए जजमेंट लेगा कि सिमिलर है या नहीं है. बी सच दैट इट्स यूज बाय द कंपनी विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस. बराबर, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेज या आपका नाम अगर कोई लॉ में ऑफेंस माना जाता है बिकॉज वो प्रोहिबिटेड है. कुछ नाम, कुछ वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने यूज कर लिया तो वो उस लॉ में ऑफेंस माना जाता है, तो भी आप वो वर्ड्स यूज नहीं कर सकते. और फिर है इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका भी एक्ट बना हुआ है, लिस्ट बनी हुई है कि ये नाम हम नहीं चाहते कि आप यूज करो, ये हमारे हिसाब से अनडिजायरेबल है. फिर भी आप यूज करोगे तो फिर आपको उस एक्ट के तहत सजा मिल सकती है. ठीक है, और खैर एमसीए रजिस्टर करेगी नहीं, ये एमसीए की भी जिम्मेदारी है वो चेक करना कि ऐसे नाम इंक्लूडेड ना हो, सर्टिफिकेट दिया ही ना जाए. फिर है अगर चलो नाम मिल गया, अवेलेबल है, तो अब कितने समय के लिए वो रिजर्व किया जाएगा, नंबर ऑफ डेज. ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए आपके लिए रिजर्व किया जाएगा, हम आपका इंतजार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं. एक फिक्स टाइम होगा, उसके बाद वो डी रिजर्व होगा, कोई और इंसान वो नाम यूज कर सकता है. तो आपने जो ₹1000 भरे उससे आपको आपके लिए वो नाम कितने दिनों तक अवेलेबल होगा वो दिया है. रिजर्व नेम शेल बी वैलिड फॉर 20 डेज, 20 दिन तक आपके लिए वो रिजर्व किया जाएगा, उसके बाद वो रिजर्वेशन कैंसिल किया जाएगा और फिर वो अवेलेबल हो जाएगा
बाकी लोगों के लिए, वो भी फिर वो नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 20 डेज के लिए आपके लिए वो ब्लॉक किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम। और फिर रिजर्व नेम शैल बी वैलिड फॉर 60 डेज इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ नेम फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है, बराबर, वॉलेंटरली नाम चेंज कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता अपन को, नाम चेंज कर सकते हैं अपन। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी रन फैसिलिटी के थ्रू नया नाम चेक कर रही है, तो उसके लिए 60 डेज के लिए रिजर्व होगा, और जो न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी के लिए 20 डेज है, क्योंकि ये पुराना लॉ में 60 था, तो पुराने वालों को चुप रखने के लिए वो 60 डेज रखा गया, कि ठीक है आपको पहले भी 60 डेज अलाउड थे, अब भी आपको हम 60 डेज देते हैं। पर जो न्यू कंपनीज आ रहे हैं, ये रूल्स आने के बाद लगभग मेरे हिसाब से 26 जनवरी को ये मतलब कमेंट्स हुए हैं, 26 जनवरी 2018, तो वो डेट से जो भी कंपनी बनेगी, क्रिएट होगी या जो रिजर्व करवाएगी, उनके लिए 20 डेज है। और जो एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज कर रहे हैं, वॉलेंट्रीली या कंपल्सरी नाम भी चेंज करना पड़ता है, अगर आप कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे आप प्राइवेट से पब्लिक हो रहे हो तो वर्ड प्राइवेट डिलीट करना पड़ता है, पब्लिक से प्राइवेट हो रहे हो तो वर्ड प्राइवेट ऐड करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। कन्वर्जेंस की वजह से भी नाम रेक्टिफाई या चेंज करवाना पड़ सकता है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यू के लिए 20, एग्जिस्टिंग के लिए 60, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिजर्व फॉर 20 डेज न्यू कंपनी एंड 60 डेज फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर है ओनली वन नेम कैन बी मेंशन इन द रन फॉर्म, ठीक है, वन नेम अलाउड, वन नेम कैन बी फिल्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म में वन नेम ही अलाउड है। पुराने फॉर्म में जो पुराना स्ट्रक्चर था INC 7 और INC 2, जो भी फॉर्म से पहले, उसमें 6 प्रपोज नेम हो सकते थे, अब यहां इन्होंने एक ही नाम रखा है, ठीक है, एक ही नाम आप भर सकते हो। तो अभी मैंने बता दिया कि अभी भी ऑप्शनल है, द अप्रूवल ऑफ नेम थ्रू रन इज एन ऑप्शनल वे, कंपनीज कैन ऑल्सो डायरेक्टली अप्लाई फॉर द नेम इन स्पाइस फॉर्म, जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके साथ भी आप डायरेक्ट नाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, रन के थ्रू पहले वो अवेलेबल है कि नहीं चेक करना ऑप्शनल है, ठीक है। धीरे धीरे वो भी मैंडेटरी हो जाएगा, बट हर चीज, कोई बड़ा चेंज आता है तो रिएक्शंस भी होते हैं ना, इसलिए धीरे धीरे MCA लागू कर रही है, अभी सब रन फैसिलिटी ऑप्शनल है, पर धीरे धीरे मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। अब है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, एक बार नाम आपका रिजर्व हो गया, एक बार आपके लिए नाम अवेलेबल हो गया, उसके बाद अब आपको पूरा बैकग्राउंड, पूरी तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है। तो उसमें आपको करना है, पहले आपको डिक्लेरेशन लेना है प्रोफेशनल्स का, इसमें मैंने दिया नहीं है, वो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, मैं आपको अभी बता दूंगा कि क्या क्या उसमें होता है। तो प्रोफेशनल्स में कौन कौन आता है, पहले तो वो है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, सेवन सेक्शन में लिखा है कि कौन कौन है, द डिक्लेरेशन बाय एन एडवोकेट, ठीक है, आप एडवोकेट से ले सकते हो, लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अब ये सब प्रैक्टिसिंग है, अभी एक अमेंडमेंट आया है मई में कि सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट वर्ड में से इन प्रैक्टिस वर्ड हटा दिया है, मतलब वो नॉन प्रैक्टिसिंग रहे तो भी वो ये सर्टिफिकेशन, ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट में ये इन प्रैक्टिस वर्ड हर जगह डिलीट किए गए हैं, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस वर्ड डिलीट किया गया है, बाकी सब जो है प्रोफेशनल्स, वो प्रैक्टिसिंग होने चाहिए, एडवोकेट प्रैक्टिसिंग होने चाहिए, बार काउंसिल के मेंबर होने चाहिए, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी प्रैक्टिसिंग होने चाहिए, कंपनी सेक्रेटरीज भी प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट में उन्होंने इन प्रैक्टिस हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ मेंबर्स काफी कम है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स काफी कम है, ठीक है, तो और प्रैक्टिसिंग वाले तो और कम है, खैर CS भी काफी कम है, बट अभी अभी धीरे धीरे वो नंबर बढ़ रहा है, CA और ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से कम है पर अदर प्रोफेशनल्स के वॉल्यूम से थोड़े ज्यादा है, ठीक है। तो वो डिसीजन गवर्नमेंट का है, उन्होंने इन प्रैक्टिस वर्ड हटा दिया है, मतलब नॉन प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी डिक्लेरेशन दे सकते हैं, ठीक है। और वो फॉर्म है INC 8, वो डिक्लेरेशन INC 8 में देना है, और वो डिक्लेरेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन में आपको सिर्फ ये लिखना है कि हम इसमें, इस इनकॉर्पोरेशन में हम इन्वॉल्व हैं, हम प्रोसीजर फॉलो करवा रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, और हमने पूरा एक्ट, रूल्स, रेलेवेंट नोटिफिकेशन सब फॉलो की हैं वाइल इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। तो आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि हम इस कंपनी के इसमें प्रोसेस में एंगेज रहे, और हमने पूरा कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स, इनकॉर्पोरेशन रूल्स और जो भी रेलेवेंट नोटिफिकेशन हैं, जो टाइम टू टाइम इशू होती हैं, हमने वो सारा कॉम्प्लाई करके ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, मतलब एक टाइप का कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट है,
एक टाइप का कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट है, ठीक है? तो वो है, तो बोलो, प्रोफेशनल डिक्लेरेशन, एडवोकेट, सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है? चार प्रोफेशनल्स अलाउड हैं, चार प्रोफेशनल्स अलाउड हैं। और फॉर्म क्या है? आईएनसी 8। और आपको क्या डिक्लेयर करना है? दैट वी आर एंगेज्ड इन इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर एंड वी हैव फॉलोड या वी हैव कॉम्प्लाइड ऑल द अप्लीकेबल रूल्स या जो भी है प्रोविजन्स मेंशनड इन एक्ट, मेंशनड इन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल्स 2000 जो भी है 14 और रेलेवेंट नोटिफिकेशंस, ठीक है? तो आपको ऐसा कॉम्प्लायंस का डिक्लेरेशन देना है कि आपने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया है, आपने पूरा उसमें एंगेज किया है और आपने सारे एक्ट रूल्स और नोटिफिकेशंस जो भी हैं एप्लीकेबल वो आपने फॉलो किए। फिर है, आगे बढ़ते हैं, एफिडेविट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है? फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 एफिडेविट शेल बी सबमिटेड, ठीक है? वर्ड अब रियल लाइफ में चेंज हो गया है, बट आपके अटेम्प्ट के हिसाब से आपको वर्ड एफिडेविट ही लिखना है। अब ये वर्ड डिक्लेरेशन कर दिया गया है, ठीक है? शेल बी सबमिटेड बाई ईच, बरोबर, ईच, कंसोलिडेटेड एफिडेविट नहीं चलेगा, हर को, हर एक को इंडिविजुअल देना है, क्योंकि जो चीज़ें इसमें डिक्लेयर करनी है वो पर्सनल है, जो इसमें चीज़ें, बातें जो डिक्लेयर करनी है वो वन टू वन पर्सनल होती हैं, इसलिए सबको एफिडेविट सेपरेटली ही फाइल करना पड़ेगा, ठीक है? जॉइंट एप्लीकेशन नहीं चलेगा, जॉइंट एफिडेविट नहीं चलेगा, ठीक है? ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड ईच ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स नेम इन द आर्टिकल्स इन फॉर्म आईएनसी 9, ठीक है? तीन बातें देखो इनको डिक्लेयर करनी है। पहला कि दे आर नॉट कॉन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन ड्यूरिंग पास्ट 5 ईयर्स प्रीसीडिंग या पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में आप कोई भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में कॉन्विक्टेड नहीं हो, मतलब आपने कुछ रूल तोड़ा नहीं है और आप उसमें कोई ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है? लेकिन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस से ही रिलेटेड, मतलब आपने, हो सकता है भी और भी कंपनी के आप सब्सक्राइबर्स रहे होंगे, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, पर आपने कहीं भी किसी में भी ऑफेंस में आप पकड़े नहीं गए हो पास्ट 5 ईयर्स में, उससे पहले पकड़े गए हो तो चलता है, आप 5 साल में सुधर गए हो ऐसा हम मान लेंगे, 5 साल का ही टाइम पीरियड कवर कर गया है उसका, और पिछला, उसके और पहले आप ऑफेंस में इन्वॉल्व थे तो चल जाएगा, मतलब आप सुधर गए हो ऐसा माना जाएगा। फिर है कि दे यानी वी लिखना पड़ेगा कि हम, यानी जो एफिडेविट दे रहा है वो, दैट दे आर नॉट गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और मिसफेसेंस, ठीक है, सेम ड्यूरिंग पास्ट 5 ईयर्स। तो आप फ्रॉड में या ब्रीच ऑफ ड्यूटी में या मिस अप्रोप्रिएशन यानी मिसफेसेंस, घपलेबाजी या हेराफेरी में आप कहीं भी कॉन्विक्टेड या गिल्टी नहीं हो लास्ट 5 ईयर्स में। कितने समय के लिए आपको सजा हुई थी ये कहीं नहीं लिखा, 5 साल सिर्फ क्या है, पिछले 5 सालों में हम आपका रिकॉर्ड देखेंगे, मतलब आप खुद ही डिक्लेयर कर रहे हो कि पिछले 5 सालों में आप कहीं भी गिल्टी नहीं पाए गए हो फॉर फ्रॉड, मिसफेसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है? और फिर है दैट दैट इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इज ट्रू एंड कंप्लीट, कि अब हम जो इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे ये सब हमारे हिसाब से टू एज पर आवर नॉलेज एंड बिलीफ क्या है, ट्रू है और कंप्लीट है, ठीक है? तो ऐसे 3 बातें आपको
इस आईएनसी 9 के थ्रू डिक्लेयर कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बताया कि सब्सक्राइबर की डिटेल भी रहती है, तो ये नॉर्मल फॉर्म, आपने बैंक अकाउंट्स खोले हैं, आपने बहुत सारे अकाउंट्स खोले होंगे और उसमें जो पूरा लंबा फॉर्म होता है, बहुत सारी डिटेल होती हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो इसमें आप सिर्फ तीन चार बेसिक चीज़ें याद रख सकते हो, बाकी इतना कुछ मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मेन मेन चीज़ें बस जो आपको पता ही होंगी, बेसिक चीज़ें हैं। देखो क्या क्या है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम शेल बी फाइल विद द रजिस्ट्रार। नंबर वन, नेम इंक्लूडिंग सर नेम और फैमिली नेम, रिसेंट फोटोग्राफ अफिक्स्ड एंड स्कैन ऑफ एमओए एंड एओए, ठीक है। फिर है फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और प्लेस ऑफ बर्थ में क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम टैक्स पैन नंबर, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। सब मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ। तो परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फैक्स नंबर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें अलग अलग है। फॉर इंडियन नेशनल, पैन कार्ड और एनी ऑफ द फॉलोइंग, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी और यूआईएन, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यानी आधार कार्ड भी अभी चलता है, आधार कार्ड भी कंपलसरी है। फॉर फॉरन नेशनल्स एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पासपोर्ट, ठीक है। तो ये सब आपको डिटेल्स फर्निश करनी है। फिर दिया है इन केस सब्सक्राइबर इज ऑलरेडी होल्डिंग अ वैलिड डिन, ऑलरेडी आपका डिन है, एंड द पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड देयर इन हैव बीन अपडेटेड एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ऑलरेडी आप एक डिन होल्डर हो और ये सारी जानकारी ऑलरेडी आप एमसीए को दे चुके हो, ऑलरेडी उनके डेटाबेस में, तो आप डबल डबल क्यों दे रहे हो। तो क्या लिखा है, द डिक्लेरेशन टू डेज इफेक्ट इज गिवन इन द एप्लीकेशन एंड द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस नीड नॉट बी अटैच्ड, बराबर। तो क्या रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपको के बाद आपके पास ऑलरेडी डिन है, तो क्या क्या चीजें आपको फिर से नहीं देनी है, प्रूफ, प्रूफ नहीं देना है, डिटेल पूरी देनी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस नीड नॉट बी अटैच। तो आईडी और एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ऑलरेडी डिन नंबर है, मतलब ऑलरेडी एक डायरेक्टर हो और भी कंपनीज में, बराबर, और आपके पास ऑलरेडी डिन अलॉटेड है, तो आपको आईडी एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, रिलैक्सेशन है, ठीक है, रिलैक्सेशन है अगर आप एक डिन होल्डर हो तो। फिर लिस्ट कंटिन्यू है। एन रेजिडेंशियल प्रूफ सच एज बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, प्रोवाइडेड दैट बैंक स्टेटमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल और मोबाइल बिल शेल नॉट बी मोर देन 2 मंथ्स ओल्ड, 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं देना है, लेटेस्ट देना है, लास्ट 2 महीने में से ही कोई आपको बिल देना है, ठीक है। प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी इन केस सब्सक्राइबर इज अ फॉरेन नेशनल, वहां की कंट्री का कोई प्रूफ देना पड़ेगा। फिर इफ द सब्सक्राइबर इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ द कंपनी, द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नेम ऑफ कंपनी, सिन नंबर, कॉर्पोरेट आईडी नंबर, वेदर इंटरेस्टेड एज अ डायरेक्टर और प्रमोटर, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एक डायरेक्टर या प्रमोटर हो तो एग्जिस्टिंग कंपनी का, तो आपको ये डिटेल देनी है, नाम उसका, सिन नंबर, और आप उसमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं, मतलब आपका शेयरहोल्डिंग कितना है, वो सब आपको बताना है, ठीक है। फिर है वेयर द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये सब किसके लिए था, इंडिविजुअल, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो ये सब, और अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आपको क्या क्या बताना है। देन द फॉलोइंग पर्टिकुलर शेल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, बराबर, आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आपका सिन नंबर होगा, कॉर्पोरेट आईडी नंबर ऑफ कंपनी और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर आप कोई और स्ट्रक्चर में हो, एलएलपी हो तो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर है जीएलएन, मतलब ये भी एक आइडेंटिटी नंबर है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में इसमें होता है, तो ये मतलब क्या बोल सकते हैं, लोकेशन नंबर है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, इफ एनी लिखा है इसलिए, क्योंकि हर जगह नहीं होता, हर स्टेट में नहीं होता, अगर आपकी जगह पे है, आपने लिया हुआ है तो आप कोट करो, मतलब एक ग्लोबल लोकेशन नंबर होता है, लोकेशन का एक मतलब ट्रैक रखने के लिए, जैसे आईपी एड्रेस होता है वैसे ही लोकेशन नंबर है तो आप बता दो, नहीं तो नहीं। फिर है नेम बताओ, रजिस्टर्ड एड्रेस यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताओ और ईमेल आईडी। और फिर है इफ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी, बरबर, देखो अलग अलग हो सकता है ना, कंपनी है तो अलग, एलएलपी है तो अलग, ठीक है। कंपनी है तो क्या देना है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन देना है आपको, स्पेसिफाइंग इंटर अलिया द ऑथोराइजेशन टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज कंपनी एंड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द प्रपोज कंपनी, नंबर ऑफ शेयर प्रपोज टू बी सब्सक्राइब बाय द बॉडी कॉर्पोरेट, बरबर। आप ऑलरेडी एक कंपनी हो और आप दूसरे कंपनी के मेंबर बनना चाहते हो, देखो कंपनी का मेंबर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकता है, सिर्फ ओपीसी में रेस्ट्रिक्शन है कि ओपीसी का मेंबर एक इंडिविजुअली होगा, रेस्टेंट एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, बाकी कंपनीज में आर्टिफिशियल पर्सन अलाउड हैं। तो आप एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कोई और बॉडी कॉर्पोरेट लगा रहे हो, तो जब आप किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया होगा क्या, डिसाइड किया ना, तो आपने रेजोल्यूशन पास किया होगा, तो वो रेजोल्यूशन का आपको कॉपी देना है,
ठीक है, और फिर उसमें क्या क्या होना चाहिए इंटरलिया, मतलब अमंग अदर थिंग्स क्या क्या उसमें होना चाहिए, ऑथराइजेशन टू सब्सक्राइब, बरोबर, कि एमओए में सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई डायरेक्टर का नाम देना पड़ेगा ना जो कंपनी के बिहाफ पे जाके उसमें सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रपोज कंपनी एंड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द प्रपोज कंपनी, कितना पैसा लगाना है, कितने शेयर्स एक्वायर करने हैं, ये सब भी आपने उस रेजोल्यूशन में लिखा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू प्रपोज टू बी सब्सक्राइब बाय द बॉडी कॉर्पोरेट एंड द नेम एड्रेस एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन ऑथराइज टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, ठीक है, तो ये बातें बतानी है, क्या क्या ऑथराइजेशन देना है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेने हैं, फिर नाम एड्रेस और डेजिग्नेशन उस डायरेक्टर का, ऑथराइज पर्सन का जो एमओए को सब्सक्राइब करेगा कंपनी के बिहाफ पे, फिर अगर आप एलएलपी हो तो फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन एग्री टू बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, ऑल द पार्टनर्स स्पेसिफाइंग इंटरलिया ऑथराइजेशन टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ प्रपोज कंपनी एंड टू मेक इन्वेस्टमेंट, पूरा लाइन बाय लाइन सेम है, इन द प्रपोज कंपनी द नंबर ऑफ शेयर्स प्रपोज टू सब्सक्राइब इन द बॉडी कॉर्पोरेट एंड द नेम ऑफ द पार्टनर, बस डायरेक्टर या पर्सन की जगह क्या है, पार्टनर ऑथराइज टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, मतलब पार्टनर के अलावा किसी और को ऑथराइज नहीं कर सकते, किसी एम्प्लॉय को ऑथराइज नहीं कर सकते, सिर्फ पार्टनर को ही मेमोरेंडम सब्सक्राइब करने के लिए आप ऑथराइज कर सकते हो। अब मेंबर पार्टनर मतलब कोई भी हो सकता है, वर्किंग नॉन वर्किंग, डेजिग्नेटेड नॉन डेजिग्नेटेड, एलएलपी अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है, तो ये दो हो गया, कंपनी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन और यहां है तो रेजोल्यूशन, अंदर का मसाला पूरा सेम है, ठीक है, ऑथराइजेशन दे रहा है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं, फिर एक ऑथराइज पर्सन का आपको नाम एड्रेस और डेजिग्नेशन बताना है, ठीक है, फिर यहां एलएलपी में डेजिग्नेशन था ही नहीं क्योंकि वो तो पार्टनर ही है ना, तो डेजिग्नेशन क्या होगा, पार्टनर, फिर है द पर्टिकुलर्स एंड स्पेसिफाइड अबव फॉर द फॉर सब्सक्राइबर्स इन टर्म्स ऑफ क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन सेवन फॉर द पर्सन सब्सक्राइबिंग फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट द डिटेल रिलेटिंग टू द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट है तो वहां का आपकी कंट्री का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको देना पड़ेगा और वहां का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो बाहर वालों को भी नहीं छोड़ा है, बाहर वालों का भी आईडी एड्रेस प्रूफ आपको लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो, ठीक है, ये सब प्रोसीजरल पॉइंट है, इतना आपको माइन्यूटली नहीं पढ़ना है, इतना माइन्यूटली नहीं पढ़ना है, कुछ लोग को खुजली होती है पढ़ने की, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये प्रोसीजरल बातें इतना थोड़ा लाइटली लें और पूरा पूरा आपको कहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ठीक है, तो ये सब प्रोसीजरल पॉइंट हो गए, तो ये सब डिटेल्स हैं, फिर है पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी एंड देयर कंसेंट टू एक्ट एज सच, डायरेक्टर बनने के लिए आप कंसेंट देते हो, रिटन कंसेंट वो भी आपको देना है, द पर्टिकुलर्स ऑफ ईच पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी एज एंड एज इंटरेस्ट, बरोबर, आपको इंटरेस्ट भी बताना है कि आप कहीं और ऑलरेडी डायरेक्टर हो क्या, या कहीं और कंपनीज में आप शेयर होल्डर हो क्या, सब्सटेंशियल शेयर्स आपके पास है क्या, हिज इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स, फर्म्स भी है, अदर फर्म्स बॉडी कॉर्पोरेट्स अलॉन्ग विद दिस कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म DR-12, ठीक है, DR-12 में रिटर्न कंसेंट आपको फाइल करना है विद द फी एज प्रोवाइडेड इन कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014, ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर्स, और आपको बताना है इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स, ठीक है, तो ऐसे चार चीजें हैं, डिटेल देनी है आपकी, पूरा पर्सनल डिक्लेरेशन देना है जो सेम जो ऊपर डिक्लेरेशन सबको देना है सब्सक्राइबर्स को, फिर कंसेंट देना है DR-12 में, और फिर आपको दूसरे फर्म्स में आप कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो, या आप पार्टनर हो, आपने कैपिटल लगाया हुआ है, या बॉडी कॉर्पोरेट्स में आप शेयर्स होल्ड करते हो, तो सब आपको पहले ही डिक्लेयर करना है, ठीक है, फिर है एमओए एओए आपको बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने नीचे कवर किया है, तो पहले मैं नीचे का पढ़ लेता हूँ, साइनिंग ऑफ एमओए एंड एओए, आफ्टर प्रॉपर फाइलिंग ऑफ स्पाइस फॉर्म अप्लीकेंट हैज टू डाउनलोड द ई फॉर्म एमओए एंड एओए, बरोबर, अटैचमेंट्स की तरह होते हैं, मतलब वैसे लिंक्ड फॉर्म्स बोलते हैं उसको, ई फॉर्म में जब आप कर रहे हो नॉर्मली ई फॉर्म ही होता है, पर कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं जब आपको फिजिकल एमओए एओए भी अटैच करना पड़ सकता है, तो आपको लिंक्ड फॉर्म की तरह तब अटैच नहीं करना पड़ता, तब आपको एज अ पीडीएफ एज अ अटैचमेंट आपको अटैच करना होता है, तो नॉर्मल रूल है ई एमओए एंड ई एओए फॉर्म 33 एंड 34, फॉर्म 33 एंड 34, ठीक है, तो आपको वो फॉर्म्स डाउनलोड करके प्रॉपर फिल करके पूरा ये रेडी करना है, तो डाउनलोड ई फॉर्म INC 33 एंड 34, ठीक है,
ये ई फॉर्म है 33, ई फॉर्म 34, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम द एमसीए साइट, आफ्टर डाउनलोडिंग ऑफ फॉर्म फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टेबल ए टू जे ऑफ शेड्यूल वन, ठीक है। फॉर्मेट्स आपको पता है, आप फॉर्मेट डायरेक्टली एडॉप्ट कर सकते हो, एमओए का भी और एओए का भी। आफ्टर कंप्लीटली फिलिंग द फॉर्म अ फिक्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आपको एमओए एओए साइन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब सिग्नेचर करना पड़ेगा थ्रू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड ऑल द प्रोफेशनल्स ऑन सब्सक्राइबर शीट ऑफ एमओए एंड एओए। प्रॉपर साइनिंग का आखिरी में रहता है ना, आपने एग्रीमेंट्स देखे होंगे तो आखिरी आखिरी में सब साइन करते हैं, प्रॉपर एक एरिया होता है और विटनेस और उसकी सबकी साइन ली जाती है। तो वहाँ सारे सब्सक्राइबर को, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा, और प्रोफेशनल को भी डिजिटल सिग्नेचर से ही IN-C8 फॉर्म ये करना पड़ेगा, उसको ये करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर है द एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी शैल बी साइंड इन द फॉलोइंग मैनर। अब कौन साइन करेगा, इंडिविजुअल है तो खुद करेगा या जो भी पर्सन ऑथराइज है, या अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो फिर आपके बिहाफ पे कौन साइन करेगा। तो ये सब बातें, बहुत प्रोसीजरल बातें दी हैं कि साइन कौन करेगा। तो देखते हैं, देखो कौन कौन साइन कर सकता है। द एमओए एंड एओए ऑफ कंपनी शैल बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर, जो भी है सब्सक्राइबर, कोई भी हो, इंडिविजुअल हो या कोई भी हो, सबको, ईच सब्सक्राइबर को साइन करना है। टू द मेमोरेंडम हु शैल एड हिज नेम, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन इफ एनी इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस, ठीक है, एक विटनेस होना चाहिए। हु शैल अटेस्ट द सिग्नेचर, ठीक है, आपके सामने उसने साइन की है, ऐसा विटनेस को भी अपनी साइन लिखनी है, और भाई हाँ हमारे सामने इसने साइन किया और ये इसी पर्सन की साइन है और वो उसका विटनेस है। एंड शैल लाइकवाइज साइन एंड एड इज नेम, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन इफ एनी, और फिर उसको क्या लिखना है, एंड द विटनेस शैल स्टेट दैट, ठीक है, साइन के ऊपर क्या लिखा रहेगा। आई विटनेस टू सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स हु हैव और हैव सब्सक्राइब्ड एंड साइंड इन माई प्रेजेंस, ठीक है, वो क्या बोलता है, साइंड इन माई प्रेजेंस, मेरे सामने साइन किया उस इंसान ने, मतलब ये साइन उसी की है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये साइन इसकी है या नहीं है, मैं विटनेस हूं उसका, ठीक है, और कल कुछ भी गड़बड़ निकली तो मैं जिम्मेदार रहूंगा। फर्दर आई हैव वेरीफाइड हिज और हिज आईडी डिटेल्स, ठीक है, उसकी शक्ल और उसका नाम और सब मैंने आइडेंटिटी देख ली है। फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फाइड माई सेल्फ ऑफ हिज हर और देयर आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर्स एज फिल्ड इन, तो मैंने इंसान और जो उसकी डिटेल्स हैं वो सब वेरीफाई कर ली है, और ये उसी की साइन है, ऐसा मेरे सामने उसने साइन किया है और इसमें अब कोई शक नहीं है और मैं इसका विटनेस हूँ, ठीक है। फिर अगर कोई सब्सक्राइबर इलिटरेट है, इलिटरेट है तो साइन कैसे करेगा, साइन तो लिटरेट पर्सन्स करते हैं, इलिटरेट्स तो अंगूठा लगाएंगे ना, तो वो दिया है थंब इम्प्रेशन, ही शेल अफिक्स हिज थंब इम्प्रेशन, ठीक है, और मार्क विच शैल बी डिस्क्राइब एज सच बाय द पर्सन, यानी कोई भी आइडेंटिटी मार्क, जैसे कुछ भी यूनिक अगर आप आइडेंटिटी बता सकते हो उससे। राइटिंग फॉर हिम हु शैल प्लेस द नेम ऑफ सब्सक्राइबर अगेंस्ट और बिलो द मार्क एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ओन सिग्नेचर, बरबर, आप फॉर्म भी किसी और से भरवाओगे और वो भी साइन करेगा आपके बिहाफ पे। एंड ही शैल ऑल्सो राइट अगेंस्ट द नेम ऑफ सब्सक्राइबर द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हिम, ये भी अपन पढ़ेंगे कि जब आप सब्सक्राइबर की तरह साइन कर रहे हो तो आपको नाम के आगे लिखने पड़ते हैं कि कितने नंबर्स आप, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप रेडी हो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान देना, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हिम। सच पर्सन शैल ऑल्सो रीड एंड एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, तो जो फॉर्म भर के दे रहा है उसको उसको पढ़ के भी बताना है और समझाना है कि वो काई पे साइन कर रहा है, क्योंकि वो इलिटरेट है ना, तो उसको पता नहीं क्या लिखा है, ऐसे ही साइन अंगूठा लगवा रहे हैं, तो उसको पूरा पढ़ के भी समझाना है जो पर्सन इसके बिहाफ पे भरेगा। वो आप कोई भी अपॉइंट कर सकते हो, जिसपे आप बता, आप पे जिसको भरोसा है, ठीक है, आपको मतलब जिस पे भरोसा है आप उसको लेके आ सकते हो, और उसका भी साइन वाइन सब रहेगा और वो आपको पूरा पढ़ के सुनाएगा। शैल ऑल्सो रीड एंड एक्सप्लेन, सिर्फ रीड नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो इलिटरेट है। द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम, मतलब एटलीस्ट जिसको आप लेके आ रहे हो या जो ऑथराइज पर्सन है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसको इंग्लिश ये पढ़ के समझाते आना चाहिए। तो रीड एंड एक्सप्लेन द कॉन्टेंट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एंड टू द सब्सक्राइबर एंड मेक एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट ऑन द एमओ एंड एओ, कि आपने पढ़ के समझा भी दिया ऐसा भी आपको बताना है, डेट वेट साइन आपका सब करना है। फिर है वेदर सब्सक्राइबर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है तो कौन साइन करेगा। एमओए एंड एओए शैल बी साइन बाय डायरेक्टर, ठीक है, नॉर्मली डायरेक्टर ही करेगा या कोई भी ऑफिसर यानी केएमपी और एम्प्लॉई, बरोबर, ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसमें देखो एम्प्लॉई भी आ सकता है, एम्प्लॉई ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय अ रेजोल्यूशन, तो आपको रेजोल्यूशन भी अटैच करना है कि आपने ऑथराइज किया इसको साइन करने के लिए।
ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट एंड वेयर द सब्सक्राइबर इज एन एलएलपी इट शैल बी साइंड बाय पार्टनर. इसमें कोई और इंक्लूडेड नहीं है, एम्प्लॉय वगैरह ऑफिसर वगैरह नहीं है. ये वर्ड सारे कंपनीज एक्ट में है, एलएलपी एक्ट में ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है. एलएलपी एक्ट में सिर्फ पार्टनर वर्ड होता है. तो पार्टनर ही ऑथराइज है, ड्यूली ऑथराइज बाय रेजोल्यूशन अप्रूव बाय ऑल द पार्टनर्स, अप्रूव बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी. प्रोवाइडेड दैट इन ईदर केस द पर्सन टू ऑथराइज शेल नॉट एट द सेम टाइम बी अ सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम. मतलब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ले रहे हो और आप कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के भी ले रहे हो, और आप दोनों मतलब अपने लिए भी खुद ही साइन कर रहे हो और कंपनी के लिए भी आप ही कर रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है. मतलब जो पर्सन कंपनी के भी आप पे कर रहा है, फिर वो खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में सब्सक्राइबर नहीं बन सकता. समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं ऑथराइज पर्सन हूं तो मैं इंडिविजुअली अपने नाम पे सब्सक्राइबर नहीं बन सकता. दोनों में से मेरे को एक चुनना पड़ेगा, या तो मैं अपने नाम से साइन कर सकता हूं, फिर मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता साइन करने के लिए, फिर किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा. और अगर मैं कंपनी की तरफ से आ रहा हूं तो फिर मैं खुद अपने नाम पे सब्सक्राइबर नहीं बन सकता. ठीक है, डबल साइमल्टेनियस नहीं चलेगा. फिर वेयर द सब्सक्राइबर टू एमओए इज द फॉरेन नेशनल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. ठीक है, ये अब थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ, इग्नोर करने वाला पॉइंट है. ये वाला थोड़ा पॉइंट इग्नोर करने वाला है. ठीक है, कि इसके लिंक्स बाकी सब्जेक्ट्स से हैं. बरोबर, इसके लिंक्स बाकी सब्जेक्ट्स से हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स में अगर सुना है तो थोड़ा बहुत एक आइडिया आएगी, नहीं तो फिर ये कोई मतलब की बात नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो इसमें देखो क्या क्या है. मतलब ये एक इंडिविजुअल है, ध्यान देना है, ये इंडिविजुअल है. सिर्फ इस बेचारे की क्या गलती है, ये एक फॉरेन नेशनल है जो आउटसाइड इंडिया रिसाइड करता है. फॉरेन नेशनल है मतलब आउट ऑफ इंडिया बर्थ हुआ है, वहीं का वो सिटीजन होगा और रह भी वहीं रहा है, यानी इंडिया का उसका कोई वास्ता नहीं है. तो साइन कैसे करेगा? तो अनजान इंसान है, उसकी साइन वेरीफाई कौन करेगा? हम क्यों माने कि उसकी साइन है? वो तो वहां जाके साइन करेगा ना, साइन करने इंडिया थोड़ी आएगा, तो वहीं से साइन करेगा. तो फिर उसकी साइन की जिम्मेदारी कौन लेगा? बरोबर, मेन है जिम्मेदारी कौन लेगा. हम कैसे माने कि ये उसी की साइन है, और उसका जो आइडेंटिटी है और प्रूफ है वो हम कैसे एक्सेप्ट करें? हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो सही है कि नहीं? कल फर्जी निकला तो हमारे पास इतना मतलब बैकअप नहीं कि हम उसको वेरीफाई कर सके. बरोबर, इंडिया के ही तो वेरीफाई नहीं हो पाते, फॉरेन के आप यहां बैठ के क्या इवेल्युएट करोगे? ठीक है, तो इसके लिए मतलब आप उनकी गवर्नमेंट से टाई अप करते हो, या जो ऑलरेडी टाई अप किए हुए हैं उनके थ्रू आप गारंटी लेते हो. मतलब वो कंट्रीज गारंटी लेते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की, और कल कुछ भी गलत निकला तो वो आपकी हेल्प करेंगे उसको डिटेक्ट करने में, उसको सजा दिलवाने में. तो कैसे कैसे कनेक्शंस का यूज किया गया है, बस वो अपन को देखना है. तो पहला, इन अ कंट्री इन एनी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ. बराबर, कॉमनवेल्थ नेशंस आपको पता होगा, कॉमनवेल्थ गेम भी होती है. बराबर, 50 लगभग, पता नहीं 50 के ऊपर कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं. तो आपको क्या करना है, हिज साइन, हिज सिग्नेचर्स एंड एड्रेस ऑन द एमओए एंड एओए एंड द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. ठीक है, उसको साइन देना है और उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है. शैल बी नोटराइज्ड, आपको उस कंट्री का जो भी नोटरी होगा उससे नोटराइज करवाना है. तो नोटराइज बाय द नोटरी पब्लिक इन दैट पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ. ठीक है, यानी नोटराइज कराना है, आपकी कंट्री के नोटरी को हम सही मान लेंगे. ठीक है, और कल कुछ गड़बड़ हुई तो आपकी कंट्री के थ्रू हम जो भी है कर लेंगे. तो नोटरी करवाना है अगर आप कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर हो तो. फिर है, इन अ कंट्री विच इज अ पार्टी टू हग एपोल एपोस्टाइल कन्वेंशन. ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1961 में, इसमें भी लगभग मेरे हिसाब से 115 कंट्री सिग्नेटरीज हैं, और इन्होंने वैलिडिटी दी है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं, या जो भी कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट हैं, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लीगल वैलिडिटी दी है कि हाँ हम एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को सही अज्यूम कर लेंगे. नहीं तो क्या है कि काम होंगे ही नहीं. अगर आप हर चीज़ पे डाउट करोगे, वेरीफाई करोगे, तो काम का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है. तो इन्होंने 115 कंट्री ने मिल के ऑथराइजेशन दिया है कि हम एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को लीगल मानेंगे और गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगी. ठीक है, तो अगर आप उसके मेंबर हो तो सेम, हिज सिग्नेचर एड्रेस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी शैल बी नोटराइज्ड. ठीक है, नोटराइज्ड बिफोर द नोटरी पब्लिक ऑफ द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन एंड बी ड्यूली एपोस्टलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेड कन्वेंशन. वो कन्वेंशन के तहत साइन किया गया है, ऐसा आप अपने इसमें नोट कर लो ताकि कल हम उसका जो भी है एक्शन लेने में मतलब हेल्प हो. तो ऊपर वाला ही है, नोटराइज्ड ही कराना है, सिर्फ वो कन्वेंशन के तहत हुआ है ऐसा आपको नोट करवाना है उस कंट्री में. ठीक है, और फिर अगर आप कॉमनवेल्थ के भी नहीं हो, आप ये कन्वेंशन के भी पार्ट नहीं हो, मतलब आप ऐसे हो जिनसे हमारा कोई टाई
डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और आप जिम्मेदारी नहीं लोगे और आप हेल्प भी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? तो आप आउटसाइड द कॉमनवेल्थ हो या नॉट अ पार्टी टू कन्वेंशन हो, हिज सिग्नेचर एड्रेस ऑन MOAOA एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी शैल बी नोटराइज्ड. तो नोटराइज तो कराना है. अब है किसके सामने? बिफोर द नोटरी पब्लिक ऑफ सच कंट्री. सेम क्लॉज, यानी तीनों में सेम है, नोटराइज तो कराना ही है. एंड द सर्टिफिकेट ऑफ नोटरी जो आपको मिलेगा, नोटरी का जो सर्टिफिकेट मिलता है, शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिप्लोमेटिक और काउंसलर ऑफिसर एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ. मतलब जो हर कंट्री में अपना होता है ना एम्बेसी, आपने सुना होगा एम्बेसी होता है जो पासपोर्ट वीजा देता है, बरोबर. वो जो ऑफिस है उसमें एक ये पोस्ट होती है डिप्लोमेटिक या काउंसल ऑफिसर, तो उससे आपको वो साइन करवाना है कि हाँ ये आप ही, वो जो कंट्री है जैसे यूएस का है, तो यूएस में जो हमारा इंडिया का एम्बेसी होगा, जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं उनका जो भी पासपोर्ट वीज़ा देखते होंगे, तो उनमें जितने भी डिप्लोमेट्स हैं जो कंट्री को सर्व कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के जो वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे आप साइन ले सकते हो कि हाँ वो यूएस के नोटरी का साइन है और वो ऐसा ऑथेंटिकेट करके आपको दे देंगे और यहाँ अपना काम चल जाएगा. और फिर है वेयर देर इज नो सच ऑफिसर, कोई प्रॉपर डिप्लोमेट या काउंसलर ऑफिसर का पोस्ट पे कोई नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? बाय एनी ऑफ द ऑफिशियल्स मेंशन इन सेक्शन 6 ऑफ कमिश्नर ऑफ ओथ्स एक्ट 1889. ये होता है हेड ऑफ एम्बेसी. हेड ऑफ एम्बेसी जो भी हेड है वो पर्सन इसमें मेंशनड है. भाई एम्बेसी में चलो कोई डिप्लोमेटिक नहीं है, अरे हेड का हेड तो होगा कोई कि पूरा खाली पड़ा है, कोई इंसान ही नहीं दिख रहा, ऐसा तो नहीं होगा ना. कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन की आपको साइन लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये तीन हो गए कि पहला वो कॉमनवेल्थ नेशंस के पार्ट है कंट्री, फिर वो इस कन्वेंशन के पार्ट है, फिर दोनों के पार्ट नहीं है, और एक है विजिटेड इन इंडिया एंड इंटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. बरोबर, आप बाहर के हो पर आप इंडिया आ चुके हो, विजिट कर चुके हो एंड इंटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. इन सच अ केस इनकॉर्पोरेशन शुड बी अलाउड इफ ही और शी इज हैविंग अ वैलिड बिजनेस वीजा. मतलब इंडिया में भी रिकॉर्ड्स आ गए उसके, अगर वो कभी आया ही नहीं है तो हमारे पास भी रिकॉर्ड नहीं है ना, पर वो इंडिया आया था तो उसने वीजा लिया होगा ना, और वीजा एप्लीकेशन में सारी डिटेल ली होंगी, बरोबर. तो वीजा है अगर उसके पास तो फिर काम बन जाएगा, फिर उसको इतना सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है. और फिर अगर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ अ पर्सन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, पैदाइश इंडिया की है, इंडिया में पैदा हुआ है, बरोबर, इंडियन ओरिजिन है, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन इंडिया का है लेकिन रहता बाहर में, पर इन एनी केस इंडिया में पैदा हुआ है या इंडिया का सिटीजन है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास इंडिया का है. रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस वीजा शेल नॉट बी एप्लीकेबल. तो आपका बिजनेस वीजा नहीं भी रखा, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो इतने फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, आप खुद साइन और विटनेस कर सकते हो, आपको हम ढूंढ लेंगे क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं. ठीक है, तो ये सब ऐसे अलग 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 सिचुएशंस हैं. ठीक है, तो मैं जो काम काम का है वो सिर्फ बताता हूँ, इसमें लिखवा के देता हूँ. बोलो, तो ये फॉर्म नंबर मैंने लिख के दे दिए, फॉर्म नंबर हो गया. फिर क्या इंपॉर्टेंट है देखो, साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ई साइन करना है. ठीक है, फिर है कि इन प्रेजेंस ऑफ वन विटनेस, ठीक है, फिर है हु विल साइन, ठीक है, इंडिविजुअल है तो हिमसेल्फ, इलिटरेट है तो थम इंप्रेशन, थम इंप्रेशन, ठीक है. फिर अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसमें भी कंपनी है या LLP है, ठीक है, तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन देना है और बोर्ड रेजोल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होने चाहिए और डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉय, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी साइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका भी नाम रेजोल्यूशन में लिखा होगा. ठीक है, और फिर है कि अगर ये है तो नॉर्मल रेजोल्यूशन और
पार्टनर, पार्टनर का नाम उसमें होना चाहिए। तो पार्टनर साइन कर सकता है, इसमें डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय साइन कर सकता है, ठीक है। तो ये साइनिंग है, और बहुत सारा वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, काम का नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चार बातें हो गई, क्या क्या चार बातें हो गई, प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन, सब्सक्राइबर का एफिडेविट, फिर है फर्स्ट डायरेक्टर्स का जो भी है डिटेल्स और कंसेंट DR-12, और फिर है MOA AOA आपको एग्जीक्यूट करना है। अब है जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, उस पर आ जाओ। वो है ये एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दैट इज ई स्पाइस फॉर्म, यानी INC 32, ठीक है। वंस ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, एप्लीकेशन हैज टू बी एप्लीकेंट हैज टू फिल द इन्फॉर्मेशन इन द ई फॉर्म स्पाइस, दैट इज INC 32। फिर है फीचर्स क्या है इस फॉर्म के, ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, ये बस फीचर्स ही ध्यान रखने हैं। नंबर वन, मैक्सिमम डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स आर 7, सात लोगों के आप नाम भर सकते हो। इन केस ऑफ मोर सब्सक्राइबर्स फिजिकली साइन, ठीक है, दिया है फॉर्म यही है, सिर्फ आप EMOA साइन मत करो, उस पर सात ही लोग होते हैं, इसमें आप फिजिकली साइन करो और उसको PDF फॉर्म में अटैच करो, ठीक है। फिजिकली साइन MOA शैल बी अटैच इन द फॉर्म, ठीक है, एज अ अटैचमेंट। फिर है मैक्सिमम डायरेक्टर की डिटेल आप 20 डाल सकते हो। फिर है तीन डायरेक्टर मैक्सिमम डिन नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनको सेपरेट डिन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म के अंदर तीन लोग डिन के लिए भी साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। फिर है पर्सन कैन अप्लाई द नेम ऑल्सो इन द फॉर्म, बरोबर, तो नेम कंपनी का नाम भी आप इसमें रिजर्व करवा सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी वन नेम ही अलाउड है, इसमें भी वन नेम ही अलाउड है, तो नाम भी अप्लाई कर सकते हो, तीन डायरेक्टर्स का डिन नंबर भी अप्लाई कर सकते हो, 20 डायरेक्टर की डिटेल भर सकते हो, और अगर सात लोग से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको फिजिकली MOA एग्जीक्यूट करके उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके अटैच करना पड़ेगा एज अ अटैचमेंट टू INC 32। फिर आपको ई फॉर्म 33 और 34 भरने की जरूरत नहीं है, फिजिकल से काम चल जाएगा। फिर है बाय अफिक्सेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ द सब्सक्राइबर ऑन INC 33, डेट ऑफ साइनिंग विल अपियर ऑटोमेटिकली बाय द फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, सात लोगों से कम है, तो आपको E33 और E34 फॉर्म भरना है और उसमें ऑटोमेटिकली सारी डिटेल आ जाती है। फिर है अप्लाइंग फॉर PAN 10 विल बी कंपल्सरी, ये जो नया पॉइंट आया है कि आपको इसी में आप PAN 10 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप नई कंपनी बना रहे हो, कंपनी बनाने के बाद वैसे भी आप PAN 10 तो लोगे ही ना, बिना PAN 10 के कंपनी चलती ही नहीं है। पैन लेना, टेन लेना कंपनी के लिए कंपलसरी है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो आप इसी के साथ ले लो, क्या भरोसा बाद में लो ना लो, और लिंक भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में आपको PAN 10 भी अप्लाई करना कंपलसरी है। फॉर ऑल फ्रेश इनकॉर्पोरेशन अप्लीकेशन फिल्ड इन इन द न्यू वर्जन ऑफ स्पाइस फॉर्म, ठीक है, जो भी फ्रेश कंपनीज है, न्यू कंपनीज है, उनको PAN 10 के लिए भी इसी में अप्लाई करना कंपलसरी है। फिर है इन केस ऑफ कंपनी, अभी एग्जम्पशन दिया है कि किसको जो रजिस्ट्रेशन फी है वो नहीं लगेगी, एग्जम्पशन दिया है कि 0 रुपीज में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, पर ये छोटे कंपनीज के लिए। तो छोटे कंपनीज के मतलब क्राइटेरिया क्या है, कौन छोटी कंपनी माना जाएगा इस एग्जम्पशन के लिए, वो क्राइटेरिया दिया है। इन केस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, ये पूरी स्कीम लॉन्च की है फ्रॉम 26 जनवरी 2018, जब से अमेंडमेंट आया था, विथ नॉमिनल वैल्यू, यानी ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल आपने पढ़ा ही है जो MOA में लिखा होता है, मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, तो वो नॉमिनल कैपिटल ऑफ लेस देन और इक्वल टू ₹10 लाख, 10 लाख से कम आपका अगर ऑथोराइज कैपिटल है, या फिर और इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है ही नहीं, मतलब आप लिमिटेड बाय गारंटी हो, तो क्या होगा, हुज नंबर ऑफ मेंबर्स एज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स डज नॉट एक्सीड 20, 20 लोग से कम है, मतलब दोनों में से एक में ही आओगे आप, या तो शेयर कैपिटल है या तो शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल है तो 10 लाख रुपए से कम है, और अगर शेयर कैपिटल है ही नहीं तो नंबर ऑफ मेंबर्स देखेंगे 20 नंबर से कम होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, तो क्या फायदा मिलेगा आपको, फी शैल नॉट बी एप्लीकेबल, जो ये फॉर्म भरते वक्त फाइलिंग फी लगती है, रजिस्ट्रेशन फी लगती है, वो आपको नहीं लगेगी, यानी एग्जम्पशन है, यानी फ्री में आप छोटी कंपनियां बना सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जम्पशन था। फिर है सिंगल विंडो फॉर्म, जो मैंने बताया, अब आपको कुछ और करना नहीं है, एक ही विंडो है, सारे चीज़ें एक ही, इसके साथ आप एक ही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल एप्लीकेशंस को अब मिनिमाइज किया गया है। तो दिया है कि तीन डायरेक्टर्स का, अच्छा सॉरी, अर्लियर इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू इनकॉर्पोरेट कंपनी देन ही देन इट हैज टू अप्लाई फॉर डिन,
बरोबर। डायरेक्टर्स को अलग अलग दिन के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता था, अप्रूवल ऑफ नेम, नेम के लिए अलग अप्लाई करना पड़ता था, नेम अवेलेबिलिटी, फिर सेपरेट फॉर्म फॉर फर्स्ट डायरेक्टर्स DI-12 अलग से भरना पड़ता था, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस INC-22 भरना पड़ता था, फिर PAN-10 के लिए भी आपको अलग अप्लाई करना पड़ता था। बट दिस फॉर्म इज अ सिंगल विंडो फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो तीन डायरेक्टर के दिन आप अप्लाई कर सकते हो, नाम अवेलेबिलिटी भी इसी में आप चेक करवा सकते हो, फिर है DI-12 भी इसके साथ ही सबमिट कर सकते हो, फिर है INC-22 भी इसमें ही आ जाएगा, आपको सेपरेट INC-22 नहीं भरना है। इसमें जो एड्रेस आप भर रहे हो अगर वही आपका एक्चुअल एड्रेस है तो आपको एड्रेस मतलब INC-22 फाइल नहीं करना है क्योंकि आपसे एड्रेस प्रूफ ऑलरेडी सब लिए गए। और फिर है कि आपको PAN-10 के लिए भी सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी में आप PAN-10 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यानी करना ही है, कंपलसरी है अभी। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं और यही आपको याद रखने हैं, यही आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं इसको। चलो बोलो क्या क्या है। डिन फॉर थ्री डायरेक्टर्स आप ले सकते हो, वन नेम परमिसिबल है, और अगर आपने रन फैसिलिटी से लिया है तो वो तो अप्रूव्ड है, वो डायरेक्ट भर दो फिर उसमें, मतलब वो तो फाइनलाइज नाम है। पर नहीं भी रन फैसिलिटी का यूज किया है तो भी आप यहां पे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। फिर है तीन डायरेक्टर ही हो गया, फिर है PAN-10, PAN-10 के लिए भी आप यहां अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या फीचर्स थे और, DI-12 भी इसके साथ ही आप फाइल कर सकते हो। फिर है नो नीड टू फाइल INC-22 जो एड्रेस प्रूफ के लिए था, वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस, वो भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, और फिर एक एग्जम्पशन दिया है फ्रॉम फी, फ्रॉम 26 जनवरी 2018। बोलो क्या, अगर शेयर कैपिटल है तो नॉमिनल कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू 10 लैक्स, और अगर नो शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स लेस देन और इक्वल टू 20, तो आपको ये एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, अब पूरा प्रोसेसर हो गया। अब जैसे ही आपको फिर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया उसके बाद क्या होगा, सॉरी हाँ, तो अगर जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा फिर क्या होगा, तो वो दिया है सबमिशन ऑफ, आप सबमिट कर दो 32, 33, 34 ऑन MCA। वंस ऑल द थ्री फॉर्म्स रेडी विद एप्लीकेंट, अपलोड ऑल द थ्री डॉक्यूमेंट्स एज लिंक फॉर्म, बरोबर। अगर ई है तो इलेक्ट्रॉनिक है तो लिंक फॉर्म, नहीं तो एज अटैचमेंट। ठीक है, एज लिंक फॉर्म ऑन MCA वेबसाइट एंड मेक द पेमेंट फॉर द सेम। फिर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और उसमें आपको SIN नंबर अलॉट होगा, सर्टिफिकेट सॉरी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, और सर्टिफिकेट पे PAN और TAN नंबर भी लिखा होगा। ठीक है, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल बी साइन शैल बी इशूड बाय ROC इन INC-11। ठीक है, INC-11 में आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, एंड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल मेंशन द PAN नंबर ऑफ द कंपनी वेयर इट इज इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फिर है पब्लिकेशन ऑफ नेम, कि जैसे आपको नाम अब मिल गया, अब आप हर जगह आपको आपका नाम लिखना है, आपके ऑफिस के बाहर लिखना है, आपके विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, हर जगह आपको नाम और एड्रेस लिखना है। एवरी कंपनी विच हैज अ वेबसाइट, बरबर वेबसाइट है, फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस और अदरवाइज शेल डिस्क्लोज और पब्लिश इट्स नेम, एड्रेस ऑफ इट रजिस्टर्ड ऑफिस, SIN नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ई मेल, नेम ऑफ द पर्सन हु मे बी कॉन्टैक्टेड, बरबर ऑथराइज पर्सन या जिम्मेदार पर्सन आपको उसका नाम लिखना है। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और ग्रीवाइंसेस ऑन द लैंडिंग और होम पेज ऑफ द सेड वेबसाइट, इधर उधर छुपाना नहीं है, मेन पेज होम पेज पे आपको उस कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड नोटिफाई द अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन विच द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी प्रिंटेड, जो मैंने बताया लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड, ये सब होता है। फिर है जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया इसका क्या इम्पैक्ट है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है ROC से, तो इसका क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9, सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब्सक्राइबर्स बिकम द मेंबर्स। ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर को मेंबर बन जाएंगे, उनको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल एक बार कंपनी बन गई उसके बाद किसी को मेंबर बनना है तो या तो आपको अलॉटमेंट लेना पड़ेगा या तो आप किसी और से ट्रांसफर लेके आप अपने नाम पे रजिस्टर करा सकते हो, पर आपको अप्लाई करना पड़ता है, आप ऑटोमेटिकली मेंबर नहीं बन सकते। पर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं
उनको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आया सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली मेंबर्स माने जाएंगे, ऑटोमेटिक होगा विदाउट एनी कंप्लायंस, ठीक है? तो मेंबर्स माने जाएंगे, मे सब्सक्राइबर्स बिकम मेंबर्स एंड द कंपनी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट विद अ नेम कैपेबल ऑफ एक्साइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ इनकॉर्पोरेट कंपनी अंडर दिस एक्ट एंड शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन विद द पावर टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट टू शू एंड बी शूड बाय द सेड नेम। ये सब फीचर्स में आप पढ़ चुके हो बेसिक्स में कि आप एक आर्टिफिशियल पर्सन माने जाओगे, सेपरेट लीगल स्टेटस होगा और आप हर काम कर सकते हो जो एक इंडिविजुअल कर सकता है लीगली, ठीक है? ये इफेक्ट होगा। और इसका एक और इफेक्ट आता है कि आपने सारे लीगल कॉम्प्लायंसेस कर लिए, आपने सारे लीगल कॉम्प्लायंसेस कर लिए कंपनीज एक्ट के, प्रोसीजरल कॉम्प्लायंसेस, और आरओसी उसको मानता है, तो कल आरओसी नहीं बोल सकता कि ये डॉक्यूमेंट तो आपने दिया ही नहीं, ये तो आपका डॉक्यूमेंट ऐसा है, ये तो आपका डॉक्यूमेंट वैसा है, ये तो हम लेना ही भूल गए, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आपका लैप्स है तो फिर आप मतलब वैलिडिटी पे कोई अफेक्ट नहीं कर सकते, आप मांगो डॉक्यूमेंट लेकिन वैलिडिटी नहीं, आप नहीं बोल सकते कि वो इनवैलिड हो गया। पर अगर कोई फ्रॉड पकड़ा गया है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज थे, फॉर्जरी हुई थी, डीएससी फॉर्ज थी या कुछ उसमें प्रॉब्लम था, बरोबर, कोई क्या बोल सकते हैं उसको, फ्रॉडुलेंट मीन से आपने ये रजिस्ट्रेशन लिया है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉडुलेंट मीन से लिया है, काफी चीजें डिक्लेयर नहीं की है, मतलब कुछ भी इलीगल एलिमेंट मिला तो फिर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है। वैसे रजिस्ट्रेशन एक बार मिल गया तो कुछ नहीं हो सकता, वो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है, लेकिन वो सिर्फ कंपनी लॉ के प्रोसीजर्स के लिए होता है, जो आरओसी जिसके लिए जिम्मेदार होता है, न तो वो इलीगल चीजों को वैलिडेट कर सकता है, न फ्रॉड को भी वो वैलिडेट कर सकता है। तो अगर कोई भी चीज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मिली इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के दौरान, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, आरओसी के पास वो पावर है कि वो नाम रजिस्टर से आपका हटा देगा, सो मोटो वो करेक्शंस कर सकता है, ठीक है? तो इलीगल बिजनेस को वैलिडिटी नहीं मिलती है थ्रू इलीगल थ्रू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है? तो ये था पूरा आपका प्रोसीजर, और मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए एक डायग्राम भी बना के दे दिया है, तो ये आप, मैं स्क्रीन दे देता हूँ, आप पॉज करके लिखते जाना। देखो पहला स्क्रीन, पहला स्टेप, पहला स्क्रीन लिख लो अच्छे से, एक पेज में डेढ़ पेज में लिख दो, खत्म कर दो, काफी लोग इस टॉपिक का इंतजार कर रहे थे, ठीक है? पॉज करके अच्छे से लिख लो। फर्स्ट स्क्रीन है ये, सेकेंड स्क्रीन, सेकेंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, और ये लास्ट स्क्रीन, ठीक है? तो ये था आपका टॉपिक इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, ठीक है? आई होप सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, ठीक है?